बेतिया पुलिस द्वारा अवैध वसूली का धंधा चरम सीमा पर। बेतिया पुलिस की अवैध वसूली का खेल फिर एक बार बेतिया पुलिस पर प्रश्न चिन्ह। पश्चिमी चंपारण में विभिन्न थानों के द्वारा की जा रही है अवैध वसूली, ईंट भरा ट्रैक्टर वाले से। न्यूज 9 टाइम सिकटा से सफीर अहमद के साथ मुसाहिब अहमद की रिपोर्ट। खबर पश्चिमी चंपारण से। एक बार फिर ओवरलोडेड ट्रैक्टर चालक से अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण में इस तरह के अवैध वसूली का वीडियो लगातार सामने आ रहा है और अवैध वसूली का धंधा चरम सीमा पर है। इस तरह का लगातार होना बेतिया पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। लेकिन यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अवैध वसूली का पैसा किस टेबल तक जाता है कि जो उच्च अधिकारियों द्वारा अनदेखा और कार्रवाई तक नहीं करते हैं। आइए आगे सुनते हैं ईंट लेकर जा रहे ट्रैक्टर चालक की जुबानी, क्या कुछ उसने कहा। क्या क्या, क्या बोला आपको? क्या क्या बोला है आपको? कुछ नहीं बोला है, वो बोला है कि रोको गाड़ी। हाँ, रुकने के बाद आगे क्या हुआ? बढ़ाओ खर्चा। पैसा मांगा? क्या बोला? पैसा मतलब क्या बोला? कितना मांगा? डिमांड किया कि आप अपने? नहीं, 50 रुपया ये मांगता है लगता है। कौन थाना था? थाना तो नहीं सुने। मतलब जगह कौन है? जगह बलथर। बलथर है तो बलथर ही थाना होगा। अच्छा, तो हमेशा आप आते हैं तो हमेशा देते हैं? हमेशा 50 रुपये एक गाड़ी को 50 रुपये आप देते हैं? वो अच्छा ये बताइए किस मतलब के मूड से आप पैसा 50 रुपये देते हैं लोगों को? ईंटवा का लेता है। अच्छा, ईंटा ज़्यादा लाते हैं तब लेता है कि कभी भी आते हैं तो लेता है? अगर भाई जब टेलर के हिसाब से आप जितना ईंटा लादे हुए हैं उतना लाते हैं या उससे कम ज़्यादा रहता है तभी भी पैसा देते हैं आप? ये जो है ईंटवा हम लोग लाद कर आते हैं ना, कम बेस से मतलब नहीं है, 50 रुपये लेता है। 50 रुपये लेता है, मतलब कि समझिए कि एगो दादागिरी के तौर पर। दादागिरी, दादागिरी के तौर पर पैसा ना। अभी ना रुके हैं, हम बोले कि बोलिए। हाँ, एक सेकंड रुके। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हम लोग हम ही लोग में कहें। हाँ तो हाँ, कह रहा है कि काहे बढ़ा रहा है इतना तेज में, दूसरा ट्रक मारेंगे। कैसे कैसे बोला सभी बताइए, फरीश बताइए आपकी तरफ से कैसे बताइए कि क्या बोला, कैसे बोला? बोला कि साइड में गाड़ी और साइड वो हो जाएगा, गाड़ी जाने का रास्ता है, रोक दो। हाँ, पैसा नहीं दीजिएगा तो मारेंगे, 4 डंडा मारेंगे। उनको ड्राइवर बोल रहा है कि हित है आपको, सब कुछ नहीं मिला, मजबूरी है, मजबूरी होगा। किस मजबूरी के कारण पैसा देते हैं आप लोग? अब ईटुआ का पैसा मांगता है, दूसरा का। सब थाना को देते हैं? हाँ, सब थाना। कहाँ से ईटा लेके आ रहे हैं? इनारवा से आप आ रहे हैं तो 3 गो थाना पड़ रहा है, बीच में 4 गो, चारों थानों को 50-50 दिए हैं जी। कहाँ कहाँ दिए हैं नाम रखिए? तो बलथक, 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 बलथक। नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नंदलाल प्रसाद। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जाएंगे लुजरिया चौक से आगे। अच्छा, यदि अब तक आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो हर खबर पर पहली नजर के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और हमारे सभी खबरों से रहे अपडेट। न्यूज 9 टाइम्स।